हम मिलाते हैं आपको हमारे देश के, हमारे प्रदेश के और हमारे राजधानी रायपुर शहर के एक ऐसी शख्सियत से जो पोस्ट ऑफिस विषय पर आधारित अनेक संग्रह का रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड ऐसा नहीं कि अपन कह सकें कि सिर्फ इंडियन पोस्ट पे है, ये वरन विभिन्न देशों से संबंधित डाक टिकटों का संग्रहकर्ता के रूप में आप अपने प्रसिद्धि पाई है। और दोस्तों, मैं मिलाना चाहूँगा आपको, वो शख्स हैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी, जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। नमस्कार डॉक्टर सर। नहीं नहीं, ये 12 सेट है, मतलब ये प्रिंट ये होता है, ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक के हजारों छपे हैं, ऐसे 12 ब्लॉक के छपे हैं, तो एक से 12 तो ये अलग माना जाता है। अगर एक सीट में कोई भी चीज अलग है तो वो अलग माना जाता है। हाँ, तो अभी तक हम सर्वोरेन टोरेन विषय पर जारी स्टैम्प्स देखे अलग अलग देशों द्वारा। अब जैसे जिस दिन स्टैम्प जारी होता है, हर स्टैम्प के जारी होने का एक दिन होता है, जैसे 100 साल होने पर जारी हुआ तो उसी दिन एक क्या होता है कि फर्स्ट डे कवर मिलते हैं, मतलब प्रथम दिवस आवरण। जैसे ये है, ये स्टैम्प इमिनेंस सीट जारी हुआ, ये कि फर्स्ट डे कवर बनाया गया जो बना हुआ है ना। जैसे मैंने कहा था कि फिलेटली आपको एक अवसर प्रदान करती है कि आप अपना क्रिएशन करके दिखा सकें, कि क्रिएटिविटी आप, क्रिएटिविटी की बात कर रहे थे, तो ये उसका एक उदाहरण है कि जब सियोल में पीला कोरिया हुआ था 2014 में, एक इंटरनेशनल स्टैम्प एग्जीबिशन, तो हम लोग गए थे, हमने यहाँ से ये बना के ले गए थे, जिसमें ये रोलिन हिल का फोटो है, उनका पूरा लिखा हुआ है, और ये वहाँ पे हमने गांधी का फोटो लगाया कि वहाँ पे डेली कैंसिलेशन रिलीज होते हैं, किसी भी इंटरनेशनल स्टैम्प एग्जीबिशन डेली कैंसिलेशन रिलीज होता है, तो हम डेली ये सील वहाँ लगवाते गए। तो ये जो सील है, अब ये दुर्लभ है, रिपीट कर ही नहीं सकते, है ना। तो ये क्रिएशन है आपका, कि आपने इतना बड़ा इनवेलप बनाया, ये क्रिएशन है और आपकी कलेक्शन का एक पार्ट भी, कलेक्शन का पार्ट हो गया, क्योंकि ये अपने डाक टिकट भी है, इसमें ऑथराइज कैंसिलेशन भी है, तो ये दो चीज़ होना जरूरत है। अभी चूंकि इसमें रोलेन हिल का फोटोग्राफ, तो ये रोलेन हिल पर आधारित भी हो गया, फिला कोरिया एग्जीबिशन में भी आधारित।